Okay. Shall we go ahead with the next question? Shall we go ahead with the next question? Yes. Okay, let's go ahead. क्या दिया है हमें यहाँ पे? What does it say? How many such numbers are there in the above arrangement? Ma'am. Yes. Sixth बाकी था. Sixth का answer. Ma'am, sixth के बाद network चला दिया था शायद. मैम वो डॉलर बोल रहे थे, अब डॉलर के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया था, ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन. ठीक है, सो डॉलर इज व्हाट? इट इज द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, करेक्ट. हमें नेक्स्ट क्या बोला है? फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट. सो 12th एलिमेंट तो डॉलर आ गया, करेक्ट. सो वी हैव टू मूव फोर पोजिशंस अहेड टू द राइट. सो 1, 2, 3 and fourth position. Is it 6? Is it 6? Yes, ma'am. Okay, so yes, the correct answer is 6. Okay. B. Yes. Kindly mute yourself. Yes, let's go ahead to the next question. How many such numbers are there in the above arrangement which are immediately preceded by a symbol? Kya bola hai? Immediately preceded by a symbol. ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने? नंबर्स मतलब व्हाट कॉम्बिनेशन डू दे वांट. नंबर वन, एक तो नंबर होना चाहिए, करेक्ट. और नंबर शुड बी व्हाट? प्रीसीडेड बाय अ सिंबल. ठीक है, तो चलो सीरीज में देखते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना है. सिंबल नंबर, सिंबल नंबर. ठीक है, सो नंबर 3, क्या 3 के पहले सिंबल है? नहीं. अब नेक्स्ट नंबर, चेक चेक चेक. नेक्स्ट नंबर आता है 4, क्या 4 के पहले सिंबल है? नहीं है. नेक्स्ट 9, क्या 9 के पहले सिंबल है? नहीं है. फिर नेक्स्ट नंबर आता है 1, क्या 1 के पहले सिंबल है? नहीं है. आगे 5 के पहले सिंबल है? नहीं है. 2 के पहले सिंबल है क्या? है तो डॉलर. yes, तो दिस इज वन कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट चेक करो 6, क्या 6 के पहले कोई सिंबल है? नहीं है. 7 के पहले है? नहीं है. देन क्या 8 के पहले कोई सिंबल है? है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Means there are two arrangements with symbol and number combination. So your answer will be A. A. That is two. Anyone having any doubts? No, ma'am. Okay, we go to the next question. If started from M, M is interchanged with 3. ओके, ठीक है. उनका कहना है कि M को 3 के साथ इंटरचेंज करो, स्वैप करो. R is interchanged with hash. ओके, गोपाल, लास्ट वार्निंग, इफ यू डू नॉट म्यूट योरसेल्फ आई विल बी फोर्स्ड टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. यस, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? R is interchanged with hash. ओके, ठीक है. मतलब उन्होंने क्या किया है? क्या किया है? दो दो अल्फाबेट्स के पेयर्स लिए हैं और उनके उनको स्वॉप कर दिया है. तो क्या हमें पूरा सीरीज फिर से लिख के रखना पड़ेगा स्वॉप करके? बिल्कुल हाँ. yes, वैसे लिख लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड विद योर क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो. यस, तो क्या आएगा? पहले 3, फिर आएगा एम, फिर आएगा हैश, फिर आएगा आर, फिर क्या आएगा? पी, फिर आएगा ए, करेक्ट. फिर आएगा 9, फिर आएगा 4, फिर आएगा के, फिर आएगा हैश. अगर कंफ्यूजन हो रहा है सो आई विल मेक इट इवन इजियर फॉर यू ऑल. क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे पेयर बना लेते हैं दो दो की, उनको सिर्फ हमें स्वॉप करना है. सो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? काफी इजी हो जाएगा और मिस्टेक्स की स्कोप भी कम हो जाएंगे. ठीक है, हमने पेयर ऑफ 2 कर लिया, अभी हम लोग स्वॉपिंग चालू करेंगे. के एंड एट द रेट, फिर क्या आएगा? 1 डी, फिर क्या आएगा? एच यू, फिर डॉलर 5, फिर एन 2, फिर डब्ल्यू डॉलर, देन क्यू ई, फिर टी 6, देन 7 वी, 8 स्टार,
x b. So is your series ready? क्या आपकी सीरीज रेडी है? रेडी है. अब चलते हैं उनके क्वेश्चन पे. क्या बोल रहे हैं? एंड सो ऑन, विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम लेफ्ट. अब लेफ्ट मतलब हम स्टार्ट करेंगे 3 से. अगर वो लोग राइट बोलते तो हम लोग स्टार्ट करते बी से. उन्होंने क्या बोला है? 12th फ्रॉम लेफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Is D your answer? Is D your answer? Yes, ma'am. Yes. So which alternative? Ma'am. Which alternative? D. Alternative D. Okay. Do you get it, my dear students? Shall we go ahead? Yes, ma'am. Okay. Let's go to the next question of coding decoding. Probably the last, क्योंकि 10th तो हमने already discussed कर लिया है. Okay? Yes. Question 9. What will come next in the following sequence? MRP, 9KU, 5 2 W. पहले हम लोग इसका logic समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि next क्या आएगा. Okay? Let's start. Yes. M, R और P. M है, फिर R है, फिर P है. M और R के बीच में क्या है? One alphabet है, या you can say one denotation है. And R और P के बीच में 2. Correct? 2 items है, right? अब N, K, U. फिर एक उन्होंने series में छोड़ दिया. फिर 9 से शुरुआत करी. फिर 9 से और K और U. अब देखते हैं 9 और K के बीच में क्या एक आइटम है? है? Yes, ma'am. और K और U के बीच में क्या 2 आइटम्स है? है. फिर yes. उन्होंने H को छोड़ दिया. फिर शुरुआत करी 5 से. 5, फिर 2, फिर W. फिर देखो 5 और 2 के बीच में क्या एक आइटम है? है. क्या 2 और W के बीच में 2 आइटम्स है? है. Yes. तो अब हमें क्या करना है? सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है. ओके, अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम लोग? फिर से E को छोड़ देंगे. यस yes? फिर E के बाद आता है Q. फिर Q लेंगे. Q के बाद 1, that is T. और T के बाद 2 नंबर्स छोड़ के फिर आता है स्टार. आंसर Q T स्टार. इज योर आंसर Q T स्टार? यस मैम. ओके, सो दैट गोज टू अल्टरनेटिव C. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, yes, so this was all about coding and decoding. Okay, so after this we shall be continuing with a new chapter that we shall be beginning today. Bahut hi chota chapter hai, sequence and series. Aaj hum log एक नया चैप्टर करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज. बहुत ही छोटा चैप्टर है जो अपने इस बैलेंस ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगा. सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस? कम ऑन टेल मी. सीक्वेंस मतलब कैन यू से अ क्यू विद सम लिंक विद सम हिंट प्रोग्रेशन? कैन यू से दैट? कैन यू से सीक्वेंस मींस क्यू में, right? But with some logic into it, with some serial connection into it, right? इस sequence and series में mostly हम लोग deal करेंगे numbers से. पहले तो जब भी हम नया chapter चालू करेंगे तो क्या करेंगे? Index में अपने mapping sheet में पहले jot down कर लेंगे कि हमने कौन सा chapter खत्म किया है, वो module के किस page पे है और हमारे notebook के किस page पे है, ताकि एग्जाम के पहले जब हमारे पास क्रंच टाइम रहेगा वी कैन गिव आवर बेस्ट. ओके, यस. सो मैपिंग शीट क्या सब लोगों ने लिख के ले लिया? सिक्स्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज पेज 207 इन योर मॉड्यूल. आर यू ऑल रेडी? यस. ओके, आई अज्यूम यू ऑल आर रेडी एंड वी शुड स्टार्ट विद अ चैप्टर. Number series is very important for various competitive examinations. Okay, now yahan pe kya hota hai number series mein? Number series jaise alphabet series mein humne dekha hai, what happens? They give us group
राइट, फिर बीच में कोई ब्लैंक हो जाता है, राइट, उस ब्लैंक में क्या रिप्लेसमेंट आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. और सीरीज फॉलोज अ पर्टिकुलर लॉजिक, उस लॉजिक को हमें क्या करना है, इन्फर करना है, एंड देन दैट लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड टू दैट ब्लैंक नंबर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. यस, नाउ ये जो सीरीज होती है नंबर्स की, दे कैन बी अ सीरीज हैविंग कॉन्स्टेंट डिफरेंस. मतलब जैसे दो नंबर्स के बीच में वन का डिफरेंस है, टू नंबर्स के बीच में थ्री का डिफरेंस है, ओके, इंक्रीजिंग डिफरेंस. वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल्स इन ऑल दिस, सो फॉर नाउ जस्ट सी व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट. डिक्रीजिंग डिफरेंस, स्क्वायर्स, क्यूब्स का सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस, मिसलेनियस, ओके. अब हम सब हर किसी पे एक एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट सीरीज विद कॉन्स्टेंट डिफरेंस, ओके, जस्ट टेक अ लुक एट अ सीरीज विच इज गिवन 1, 5, 9, 13. पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को ठीक से स्पेशियस से लिख लेंगे. क्यों? क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन दैट सीरीज, वी हैव टू वर्क ऑन द सीरीज. सो आवर यस यस, देयर इज अ स्टूडेंट आस्किंग मी क्लॉक और कैलेंडर का लेक्चर हुआ क्या. नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, वो बाद में किया जाएगा. दैट वुड बी अमंग्स द लास्ट लेक्चर्स ऑफ द क्लास, ओके. यस, फर्दर, सो क्या है सीरीज, व्हाट एम आई सेइंग, 1, 5, 9, 13. अब चेक करो. यस, अब चेक करो. 1, 5, 9, 13. अब 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4. 5 और 4 के बीच में, 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4. 9 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4. का मतलब है नेक्स्ट जो आएगा उसके बीच में भी 4 का डिफरेंस होगा. सो व्हाट इज द आंसर? 17. करेक्ट आंसर. इन कॉन्स्टेंट डिफरेंस, दो सीरीज में जो दो नंबर्स है उनके बीच में क्या है, सेम डिफरेंस, कॉन्स्टेंट डिफरेंस, ओके. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सीरीज विद एन इंक्रीजिंग डिफरेंस, ओके. अगेन एग्जांपल से हम लोग इसको बेहतर समझ पाएंगे, ओके. सबसे पहले वो सीरीज को अच्छे से लिख के ले लो स्पेशियसली, बिकॉज वी कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. 1, 2, 4, 7, 11, 16. And then here's a question mark. Okay. अब 1 और 2 के बीच में कितना difference है? Oh. 1 और 2 के बीच में कितना difference है? 1. Okay. 2 और 4 के बीच में? 2. 4 और 3 के बीच में? 3. 7 और 11 के बीच में? 4. 11 और 16 के बीच में? 5. So next number should be at a difference of 6. 6 goes to 22. Okay. So your correct answer is 22. Getting it, my dear students? Yes, ma'am. Okay. So this is increasing difference. 1, 2, 3, 4. The difference hai, but wo increase ho raha hai. Isliye usse kaha jata hai increasing difference. Next हम लोग देखेंगे example with decreasing difference. Okay, so क्या example दिया है हमें हमारे module में? 16, 11, 7, 4, 2. ठीक है. अब 16 और 11 के बीच में कितना फर्क है? 5. 5. 11 और 7 के बीच में? 4. 4. 4 के बीच में? 3. 2. 5, 4, 3, 2. So next difference should be 1. So 2 or 2 minus 1. Answer should be 1 is the correct answer. Do you understand, my dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Go ahead to the next alternative. Sorry, to the next question. Yes. Next है squares cubes की series. Okay, again let's understand this with the help of an example. 1, 9, 25, 49. सबसे पहले जैसे ही आप लोगों के सामने ये numbers आते हैं, क्या आप लोगों को याद आता है कि 1, 9, 25, 49 ये तो squares है? Squares yes, है, right? Yes. तो चलो देखते हैं ये किसका square है. 1 is a square of 1.
9 is the square of 3. 3. 5, 25 is the square of 5. 5. 7 is the 49, 7. मतलब 1, 3, 5, 7. So next जो question mark की जगह पे आएगा, it will be what? 9 का square. Yes. 81. The right answer. Correct? Yes, ma'am. Right? Okay. Yes, ma'am. Shall we go ahead? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next. Okay. We have one example given to us on page number 208 of your module. What is the example? 9. 28. Then there's a blank. And then you have 126. Come on. I give you 2 minutes time. Sorry, not 2 minutes. 2 seconds time to understand. Because we do not have time. 2 minutes time in our lecture. Come on. Come on. Think, think. I want you all to think along with me. क्या हो सकता है? अगर 9 देखोगे तो 9 के बारे में क्या हो सकता है? अगर मैं 9 के बारे में सोचूं तो इट इज 3 का स्क्वायर, करेक्ट? बट क्या यहाँ पे सीरीज में कोई और नंबर है जो स्क्वायर है? हाँ या ना? क्या कोई और है जो स्क्वायर है? नो नहीं. सो नो मैम, तो मुझे अभी अल्टरनेटिव टेक्निक ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं देखूं तो 9 के पहले आता है 8, 28 के पहले आता है 7, 9 तो 8 जो है वो क्या है? 2 का क्यूब है. 27 क्या है? 3 का क्यूब है. करेक्ट? करेक्ट. सो अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1, मतलब 8 प्लस 1, क्या इज इट 9? इज इट 9? यस मैम. यस मैम. अगर मैं 28 के बारे में सोचूं तो 3 का क्यूब आता है 27 प्लस 1, इज इट 28? यस. तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे आना चाहिए 4. यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो आइडियली यहाँ पे आना चाहिए 4, यहाँ पे आना चाहिए 5. पहले 126 को अप्लाई करके देखते हैं अपना लॉजिक सेम काम करता है क्या. 5 का क्यूब कितना है? 5 का क्यूब प्लस 1 लॉजिक है. मतलब ये लॉजिक अपना फ्रीज हो गया. मतलब हमें क्या करना है? 4 का क्यूब प्लस 1. 4 का क्यूब कम ऑन 64. 4 जा 64 प्लस 1 इज 65. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम. यस मैम. ओके, लेट्स गो अहेड फर्दर. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस. ओके, यस, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ इंक्रीजिंग डिफरेंस या उसके साथ साथ डिक्रीजिंग डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं. ओके, यस, सो अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू अस, लेट्स सॉल्व इट. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके, एवरीबॉडी फुल फोकस विथ मी ऑन द बोर्ड. ओके, नाउ यस, 1, 3, 6, 2, 6, 9, 3, 9. चलो, अब अगर हम लोग 1 और 3 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो नंबर 1 हो सकता है प्लस 2. 1 plus 2 is 3. यस और नो? यस मैम. ओके, सो आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 और 6 के बीच में प्लस 3. हाँ, चलो कुछ तो हो रहा है. सो आगे क्या एड होना चाहिए? आगे प्लस कुछ तो होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? काइंडली जानवी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके,
लेट्स स्टार्ट. सो प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस आना चाहिए बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा. सो ये हमारा लॉजिक फेल हो गया. अब हमें दूसरे लॉजिक के बारे में सोचना चाहिए. ओके अभी वन और थ्री, कैन आई से वन इंटू थ्री इज थ्री? कैन आई से वन इंटू थ्री इज थ्री? यस मैम. ठीक है, फिर वापस थ्री इंटू टू इज सिक्स, बराबर ना? थ्री इंटू टू इज सिक्स, बराबर. बट yes, आगे वापस देखो तो आगे वापस गाड़ी पंक्चर हो गई, सिक्स के बाद आता है टू. बट वो छोड़ दो, उसके आगे देखो क्या टू इंटू थ्री आता है सिक्स? ओके टू इंटू थ्री सिक्स आता है. बट क्या सिक्स इंटू टू आता है एटीन? क्या सिक्स इंटू टू आता है एटीन? नहीं आता. सो ये भी लॉजिक फेल हो गया. अब हमें और कुछ सोचना है. तो अभी देखो वन इंटू थ्री ये तो तय रहा क्योंकि वन इंटू थ्री आता है और ये टू इंटू थ्री सिक्स आता है, बराबर है. फिर से थ्री इंटू थ्री आता है नाइन, तो ये लॉजिक तो तय रहा. अब हमें आगे का लॉजिक तय करना है. सो वन इंटू थ्री इज थ्री. थ्री और सिक्स के बीच में दो रिलेशन है, एक तो प्लस थ्री भी हो सकता है, एक तो इंटू टू भी हो सकता है. इंटू टू ने ये देख लिया, अब प्लस थ्री करके देखते हैं. सो वन इंटू थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स. ओके टू इंटू थ्री सिक्स, क्या सिक्स प्लस थ्री इज नाइन? यस मैम. यस करेक्ट. आगे थ्री इंटू थ्री नाइन, सो नाइन प्लस थ्री आना चाहिए. बताओ नाइन प्लस थ्री विल बी हाउ मच? ट्वेल्व. यस. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू गेट इट? ओके डू यू वांट टू टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स? यस मैम. Come on, quickly take it down in just 2 seconds. Repeat, ma'am. Yes, I'm waiting. Explain it once again. Okay, I'll do that. Yes, see. अब क्या हुआ है, हमें सीरीज दी गई है. अब हमें सीरीज को क्या करना है, हमारा दिमाग लगा के सोचना है कि हमें एक्चुअली कौन से यू नो क्या लॉजिक है उसके पीछे. अब मैं पहले अगर देखू तो वन इंटू थ्री, तो मेरे दिमाग में सबसे क्या आता है, पहले क्या आता है, वन प्लस टू इज थ्री. ठीक है, फिर थ्री प्लस थ्री सिक्स. ओके तो लॉजिक कुछ तो हुआ. आगे सिक्स प्लस कुछ भी नहीं है क्योंकि टू है, बराबर है. सो प्लस टू और प्लस थ्री का लॉजिक फेल हो गया. फिर नेक्स्ट अब क्या है, वन और थ्री. वन और थ्री के बीच में और एक करेक्शन है, वन इंटू थ्री इज थ्री, बराबर. सो मैंने वो लॉजिक लगाया, वन इंटू थ्री इज थ्री. आगे देखो थ्री इंटू टू सिक्स, मैं खुश हो गई कि चलो कुछ तो बन रहा है आगे. ओके तो थ्री इंटू टू किया, बट आगे वापस फुस हो गई. क्यों? क्योंकि टू इंटू थ्री सिक्स है, बट सिक्स इंटू टू शुड बी ट्वेल्व, बट यहाँ पे तो नाइन है, तो मेरा वो वाला लॉजिक भी फेल हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आगे देखते हैं, वन इंटू थ्री थ्री आया था, टू इंटू थ्री सिक्स आया था, इससे उधर जाके मैंने लिख दिया इंटू थ्री. फिर से लिखूं आप लोगों के लिए? चलो फिर से लिखती हूँ. तो मैंने यहाँ पे इंटू थ्री लिख दिया, टू इंटू थ्री सिक्स आ गया. ठीक है, आगे अगर मैंने देखा तो थ्री इंटू थ्री भी नाइन आ गया, तो ये फ्रीज हो गया. ओके ये फ्रीज हो गया. ओके अब आगे थ्री और सिक्स के बीच का कनेक्शन क्या होता है, थ्री प्लस थ्री सिक्स, फिर सिक्स प्लस थ्री नाइन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, बराबर है ना. मतलब लॉजिक क्या हुआ, ये एक बकेट हो गया, ये एक बकेट हो गया, ये एक बकेट हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट वन टू और थ्री, पहले क्या किया इंटू थ्री, फिर प्लस थ्री, फिर थ्री इंटू थ्री इज नाइन, फिर क्या आएगा नाइन प्लस थ्री आएगा ट्वेल्व. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ओके शैल वी गो अहेड? यस लेट्स गो अहेड. ओके प्लीज चेंज द कलर ऑफ द पेन. सो टू रेड कलर विजिबल नहीं होता क्या? इज रेड कलर नॉट क्लियरली विजिबल टू यू ऑल? नो मैम प्रॉब्लम. ओके तो मैं रेड नहीं यूज करूंगी. नो मैम. ओके मैं रेड नहीं यूज करूंगी अब से. ठीक है लेट्स गो अहेड फर्दर. नेक्स्ट सिक्स टेन सेवन इलेवन एट 12, ओके यस. चलो चलो सोचो देखो क्या हो पाएगा 6 और 10 के बीच में.
check alternate है मैम. Very easy. बहुत आंखों के सामने बिल्कुल visible है. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12 next. So question mark के आगे क्या होगा? 8 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद आएगा 9. So correct answer. Okay. Fine everyone. Let's go to the next series. Yes, next example. 9, 25, 49, 1 to 1. Up. स्क्रीन के पास देख के आप लोगों को क्या याद आता है? ये सब क्या है? स्क्वायर्स. वेरी गुड. ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 11. 11 का स्क्वायर है. फिर आगे मैं क्या लूंगी? 13. Why 13? Because 3, 5, 7, 11 are prime numbers. Prime number. So, अगला prime number होता है 13. तो मैं 13 का square लूँगी. That is 169. Clear? Yes. Everyone. Yes. Yes, ma'am. Okay. Quickly take this down in just 1 second in your notebooks. अब अगर आप अपना मॉड्यूल देखते हो तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं. तो अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन भी कॉपी करना है और ऑल्टरनेटिव्स भी कॉपी करना है, और उसके बाजू में आपको सॉल्यूशन भी कॉपी करना है. आर यू ऑल रेडी? यस. पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ लो, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको जॉट डाउन करने का टाइम जरूर दूंगी. ऐसे जहां पे मुझे जरूरत लगी है मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड द लॉजिक रिमेंस सेम. आपको क्वेश्चन कॉपी करना है एंड देन आंसर भी कॉपी करना है. यस, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके. यस. 1, 4, 27, 3, 1, 2, 5. ओके. तो पहले क्या करेंगे? सीरीज को अच्छे से स्पेशियसली लिख के लो. 1, 4, 27, 3, 1, 2, 5. अब 1, 4, 27 कुछ क्लिक हो रहा है. ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, और फिर 3, 1, 2, 5 समथिंग टू डू विद 5 बिकॉज इट इज एंडिंग विद 5. करेक्ट. सो चलो हम लोग कुछ सोचते हैं. So say 1 raised to 1. Say this is 2 raised to 2. Right. So say this is 3 raised to 3. तो अगर हम इस लॉजिक से जाते हैं, क्योंकि 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है. फिर 4 is 2 का स्क्वायर, 27 is 3 का क्यूब. तो अगर हम अपने लॉजिक से जाते हैं तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4 is to 4, और ये होना चाहिए 5 is to 5. पहले चेक करो क्या 5 is to 5 आता है. 3, 1, 2, 5. चेक. 5 5 are 25, 25 5 are 125, 125 5 are 6, 625 and 6 25 5 are. Check, is it 3, 1, 2, 5? It is 3, 1, 2, 5. So is our logic prevailing? Yes. So abhi hame kya karna hai? 4 ka 4 is to 4 find out karna hai. So 256 is the correct answer. Do you get it, my dear students? Alternative. Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Quickly take this down in your notebooks. Fast. Calculators will be allowed in your exams. Yes. Yes, ma'am. Shall we go ahead? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Please mute yourself. Yes, again an extra question. Okay, 3, 9, 36, 180, 10, 80. Okay, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सीक्वेंस को लिख के लेंगे.
अब थ्री और थ्री के बीच का कनेक्शन क्या है? थ्री इंटू थ्री इज नाइन, करेक्ट? यस। अब थ्री प्लस सिक्स भी नाइन होता है, बट सीरीज को ठीक से देखिए। 36 से डायरेक्ट 180, 180 से डायरेक्ट 1080, मतलब देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट मल्टीप्लिकेशन भी इन मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट? सो 3 इनटू 3 9 लिया मैंने। अब 9 और 36 के बीच में क्या कनेक्शन है? 9 into 4 is 36. 36 और 180 के बीच में क्या कनेक्शन है? Into 5. So can I say this should be into 6? Check. Into 6. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1080. Yes. So 1080 into 7 should be the answer. Batao, what will be the answer? 7560. 7560. 7560. So alternative? A. A is the correct answer. Do you get it? Quickly take this down in your notebooks. चले आगे? Yes, ma'am. Okay. Next. Question number 3. Okay. Yes, again an extra question. Okay. 2. Two, two, four, four, six, eight, eight, question mark. अगर हम लोग ये सीरीज देखे, तो क्या यहाँ पे रिपीटेशन है? टू रिपीट हुआ है, फोर फोर रिपीट हुआ है, फिर एक नंबर लिया है, फिर रिपीट हुआ है, तो लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे भी रिपीटेशन आएगा ना? रिपीटेशन आएगा, ठीक है, बट नंबर क्या रहेगा? 2, 4, 6, 8. 8 के बाद क्या आता है? 10 आता है. Okay, so alternative A can be the answer. Okay, अब यही सीरीज सॉल्व करने का और एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ. 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8 question mark. Yes. तो इसका अगर आप लोग देखो, तो अल्टरनेटिव अगर आप लोग देखते हो तो 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2 एंड सीरीज, हाँ या ना? यस और नो? यस मैम. यस मैम. फिर अगर आप लोग दूसरे का अल्टरनेटिव देखते हो तो क्या होता है यहाँ पे? 2 2 = 4 बराबर है, 4 2 = 8, फिर 8 2 = 16. आंसर क्या आ सकता है? 16 भी आ सकता है. Do you get it? Yes, ma'am. Do you get it, my dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ऐसे अगर कोई question आए जिसका conflict हो answer में, तो आपके आप अगर 10 भी click करो तो आपको answer मिलेगा, 16 भी click करो तो आपको answer आपको marks जरूर मिलेंगे. I request you all to quickly take this down in your notebooks. Done? Yes, ma'am. Are you done? Yes, ma'am. Okay, let's go ahead to the next question. Okay, so the next question is 9, 11, 15, 23. 9, 11, 15, 23. Next number will be? Yes, come on. Let's solve it. 9, 11. What's the difference? 3. 2. Plus 2. Yes. 11 and 15. What's the difference? 3. Is it plus 4? Yes, ma'am. 23 and 15. What's the difference? 8. 8 का डिफरेंस है, मतलब आगे ऐड होगा, बट कितने से ऐड होगा? ये देखो, ये इनटू 2 है, ये इनटू 2 है, सो 8 इनटू 2 प्लस 16 विल बी द आंसर. तो बताओ 23 प्लस 16 इज हाउ मच? 24.
39. So alternative D is the correct answer. Anyone having any doubts? Quickly take this down in your notebooks. Okay, 9, 11, 15, 23. There's a student wants me to repeat. Please listen to it very carefully. 9 or 11 ke beech mein plus 2. 11 or 15 ke beech mein plus 4. 15 or 8 ke beech mein, 15 or 23 ke beech mein plus 8. Ab aage hume plus karna hai. But kitne number se karna hai? Agar hum log dekhe, to ye 2. 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. So 8 into 2, 16. So plus 16 will be the answer. And 23 plus 16 is? 39. 23 plus 16 is 39. Okay. Yes. I hope you all have taken it down in your notebooks. Yes. Shall we go ahead? Yes, ma'am. Yes. The last question. Okay. 3, 15, 35. 3. 15, 35, question mark, 99, 143. Now, I want you all to think on this. Nobody is going to answer loudly. Jiska answer aaya ho, wo aapke text box se mujhe message kar sakta hai. Come on. Do not answer loudly, please. Let's give everybody a fair chance to think. Anybody with any answers? Nobody? Okay, do not answer loudly, please. Sabko apna sochne ka mauka chahiye. Sabko sochne do. Sabke paas ideas hai life mein. Let everyone think. चलो चलो जल्दी जल्दी बच्चों नो कशिश डज नॉट वर्क मैं बताऊं ओके अब यस बोलना बहुत आसान है अनिकेत ट्राई करना मुश्किल है यस कम ऑन सो 3 और 15 को अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है 12 और 15 और 35 के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना है डिफरेंस 20 ओके सो अगर ओके हम लोग देखें तो 12 प्लस 8 20 सो 20 प्लस अगर हम लोग करें प्लस 28 तो कितना आता है आंसर चेक कितना आता है आंसर 63 ठीक है ये हमें चेक करना पड़ेगा वी आर नॉट श्योर अगर 63 को हमने प्लस 28 प्लस 8 मतलब 36 क्या 63 को 36 ऐड किया तो इज योर आंसर 99 यस मैम यस मैम दैट इज इट लॉजिक्स प्रिवेल्स मतलब 63 इज योर करेक्ट आंसर So you have to go to alternate number C. Okay, so how is it? Ma'am, ये ऐसे भी तो हो सकता है. ये 2 into 2 minus 1, 4 into 4 minus 1, तब भी 15 आ रहा है. 5 into 5, sorry, 6 into 6 minus 1, तब भी 35 आएगा. तो 8 into 8 minus 1. Even that logic will prevail? Yes, ma'am. Yes, that logic also prevails. Tell me, 8 into 8 कितना आता है? 64 minus 163 the same logic prevails okay yes my dear students yes. quickly take this down in your notebooks
ओके सो आज हमने और एक चैप्टर फिनिश किया सीक्वेंस एंड सीरीज बताओ इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट यस माय डियर स्टूडेंट टेल मी इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट इजी इजी है बहुत यस मैम ओके तो अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को सेशन के बाद चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो यू ऑल हैव टू अच्छे से ओके यस तो आई वाइंड अप माई लेक्चर फॉर टूडे और 2:15 को एज यूजल अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू होगा पवन सर का ओके यस सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम एंड विद सेम एनर्जी ओके यस बाय बाय माई डियर स्टूडेंट्स बाय मैम